क्या सुंबुल बिग बॉस के घर के लिए नहीं बनी है? क्या सुंबुल को बिग बॉस के घर में नहीं होना चाहिए? इस तरह की एक नहीं बल्कि कई सारे स्टेटमेंट्स रश्मि देसाई ने दे दिए हैं। जी हाँ, चलिए आपको बताते हैं कि रश्मि देसाई सामने आई हैं और क्या कुछ वो कह चुकी हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा है सुंबुल तौकीर खान और उनके गेम को लेकर। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि रश्मि देसाई सामने आई हैं और उन्होंने बहुत कुछ कहा है सुंबुल तौकीर खान को लेकर। जी हाँ, सबसे पहले तो सुंबुल को लेकर वो कहती हैं शी इज कमिंग बैक ऑन ट्रैक। जी हाँ, यानी कि सुंबुल का गेम जो है वो ट्रैक पर अब आ चुका है। इसके पहले वो लॉस्ट थी घर के अंदर, उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि किसका साथ दें किसका साथ नहीं दें, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, ये घर के अंदर उनको लग रहा था। बट अब जितना मैं सुंबुल को देख पा रही हूँ, ऐसा रश्मि का कहना है, अब जितना मैं उन्हें देख रही हूँ समझ रही हूँ, वो बहुत ही अच्छा गेम खेल रही हैं। रश्मि कहती हैं शी इज कमिंग बैक ऑन ट्रैक, शी इज टू स्मॉल एंड द वे पीपल हैव ट्रीटेड हर इज नॉट राइट फॉर दिस एज, शी इज जस्ट 19, बट 20, 30, 40 देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस इन सेंसिबिलिटी एंड शी इज जस्ट एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, शी इज जस्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स इन टू द वर्ल्ड। बट एंटर करते ही बेबी स्टेप्स में ही उन्हें ट्रॉमेटाइज कर दिया गया है बिग बॉस के घर के अंदर। जी हाँ, ये बात उन्होंने कही कि घर के अंदर अभी तो उनकी शुरुआत हुई है और इस शुरुआत में ही उन्हें ट्रॉमेटाइज कर दिया गया है। मतलब सोचिए कि जिंदगी का एक्सपीरियंस आप जब अपने 20s में लेना शुरू करते हैं और उस दौरान आपने एक्सपीरियंस लेना शुरू ही किया हो और ऐसे में ये सब कुछ हो जाए आपके साथ, तो आपको कैसा लगेगा? जब ये सब कुछ होने लग जाए, आपको हर कोई टारगेट कर रहा है, ट्रोल कर रहा है, लिटरली ट्रॉमेटाइज कर दिया गया पूरा एक महीना, वल्चर्स की तरह मेकर्स ने सुंबुल को नोचा है बिल्कुल, और उसके हिस्से की TRP जो है वो भी उन्हें मिली है। नो डाउट TRP उनके नाम पर अच्छी खासी रजिस्टर हुई है, अच्छा खासा बैंक जो है उनका TRP के मामले में बनता गया है और बढ़ता गया है। बट फिलहाल के लिए आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है इस बारे में। जैसा कि उन्होंने कहा, जैसा कि क्लियरली उन्होंने कहा कि मुझे, यानी कि रश्मि को ऐसा लगता है कि सुंबुल इस गेम के लिए बनी नहीं है। बट हाँ, अब इतना होने के बाद, 2-2.5 महीने तक जितना उनके साथ टॉर्चर किया गया, जितना उन्हें जो कुछ भी कहा गया, वो सब होने के बाद अब वो धीरे धीरे सीखने लगी हैं, अब वो धीरे धीरे समझने लगी हैं कि गेम कैसे खेलना है। तो जाहिर सी बात है कि अब जब वो समझने लगी हैं तो वो गेम उस हिसाब से खेल रही हैं। बट हाँ, जब आप 20s में होते हो, अपने 30s में होते हो, 40s में होते हो, तब आपकी मैच्योरिटी सेंसिबिलिटी अलग होती है और अभी जो आपकी मैच्योरिटी और सेंसिबिलिटी है वो बहुत अलग है। दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये बात कहना है रश्मि देसाई का। आप इस पर क्या कहेंगे बताइएगा ज़रूर।